दोस्तों आज हम लोग आए हैं मैहर माता का दर्शन करने। मैहर माता का धाम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सबसे पहले हम लोग ट्रेन के जरिए मैहर स्टेशन उतरे हैं। मैहर स्टेशन से मैहर माता का मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां से हम लोग ऑटो पकड़े हैं और ऑटो पकड़कर मैहर माता के धाम तक आ चुके हैं। वैसे तो मैहर माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन अभी हम लोग पहाड़ी के नीचे तक आ चुके हैं। यहाँ पर एक धर्मशाला है, हम लोग इसी धर्मशाला में रुकेंगे और उसके बाद नहा धोकर लगभग 1-2 घंटे के बाद मैहर माता का दर्शन करने के लिए पहाड़ी के ऊपर चलेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैहर धाम का पूरा नज़ारा दिखाऊँगा और मैहर माता के मंदिर में यानी पहाड़ी के ऊपर कैसे जाते हैं, क्या साधन है जाने का, इसके बारे में भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और हमने अपने सामान को ये जो माला फूल का दुकान है उसी दुकान में रख दिया है। हम लोग तो धर्मशाला में रुके हैं, आप चाहें तो कोई कमरा ले सकते हैं, रास्ते में ही आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे और ज़्यादा महंगा यहाँ पर रूम नहीं मिलता है, कम दाम में ही आप लोगों को रूम मिल जाएगा। जब मैहर माता का दर्शन करने के लिए पहाड़ी के ऊपर आप जाएंगे तो उससे पहले ही रोड के दोनों ही साइड में माला फूल की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, तो आप इन्हीं दुकानों में से माला फूल और चढ़ाने का प्रसाद ये सब ले लीजिए। यदि आप नारियल लेते हैं तो नारियल को आप मंदिर तक नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि नारियल मंदिर में ले जाना मना है, इसलिए आपको नारियल जमा करना पड़ेगा। जब आप नारियल जमा करेंगे तो वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा, उसके बाद जब आप दर्शन करके नीचे आएंगे तो आपका नारियल आपको मिल जाएगा। मैहर माता के मंदिर तक जाने के लिए यानी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए 2 तरीका है। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सीढ़ियों से जा सकते हैं तो आप सीढ़ियों की मदद से मैहर माता के मंदिर तक जा सकते हैं। मैहर माता के मंदिर तक जाने के लिए टोटल 1006 सीढ़ियाँ हैं, तो यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों की मदद से मैहर माता के मंदिर तक जा सकते हैं। और यदि आप लाचार हैं, आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो आप चाहें तो सीढ़ियों से ना जाकर रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे से जाने में पैसा लगता है। यहाँ सामने में आपको एक चार्ट दिखाई देगा जो कि रोपवे के लिए टिकट चार्ट है। यदि आप वयस्क हैं तो 130 रुपये लगेगा और यदि आपके साथ 3 साल से लेकर 10 साल तक का कोई बच्चा है तो उसके लिए आप 83 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और इस एक ही टिकट में अप डाउन दोनों है, यानी यदि आप जाते टाइम टिकट ले लेते हैं तो उसी टिकट में आप पहाड़ी के ऊपर यानी मंदिर तक जा सकते हैं। उसके बाद जब आपका दर्शन हो जाएगा, दर्शन करने के बाद उसी टिकट से रोपवे से नीचे आ सकते हैं। तो अभी हमने रोपवे के लिए टिकट ले लिया है, अब चलिए रोपवे की तरफ चलते हैं। जब आप रोपवे के लिए जाएंगे तो सबसे फर्स्ट में ही एक गार्ड मिलेगा जो कि आपका टिकट चेक करेगा। हमने प्रसाद के साथ साथ एक नारियल भी लिया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नारियल को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि नारियल को लेकर हम मंदिर तक नहीं जा सकते हैं। नारियल जमा करने के बाद इस तरह का एक टोकन मिलेगा। जब हम दर्शन करने के बाद पहाड़ी से नीचे आएंगे तो ये टोकन दिखाने के बाद हमारा नारियल हमें वापस मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम रोपवे के पास में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इस रोपवे के एक पालकी में एक बार में केवल 4 आदमी ही बैठ सकते हैं। तो चलिए रोपवे के पालकी में हम बैठ जाते हैं और रोपवे से मंदिर के ऊपर यानी मैहर माता के मंदिर तक चलते हैं। त्रिकूट पर्वत पर बसा माँ शारदा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर शहर में स्थित है। इस मैहर शहर का नाम भी भगवान से जुड़ी एक अद्भुत कहानी पर आधारित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शव को गोदी में उठाकर ले जा रहे थे तब उनके गले का हार टूटकर इस जगह पर गिर गया था, तभी से इस जगह का नाम माई का हार यानी मैहर पड़ गया। माँ शारदा का मंदिर भक्तों से सदा ही पटा रहता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं,
पाला है सीढ़ियाँ। यदि आप स्वस्थ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सीढ़ियों की मदद से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति लाचार है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रोपवे का भी प्रबंध किया गया है। आमतौर पर यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, परंतु नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों की भारी सैलाब उमड़ पड़ती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 522 ईसा पूर्व हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहले माता का श्रृंगार आला और उदर करते हैं। ये है माँ शारदा का मंदिर। अभी फिलहाल हम लाइन में लगे हैं, जबकि अभी कम भीड़ है। यदि आप नवरात्रि के मौके पर आएंगे तो इतनी लंबी लाइन रहेगी कि माँ शारदा का दर्शन करने के लिए कई घंटों का समय लग जाएगा। इस माँ शारदा के मंदिर में फोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को माँ शारदा का दर्शन नहीं दिखा सकता हूँ। अभी मैं माँ शारदा का दर्शन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस मंदिर के बाहरी साइड में जितने भी दृश्य हैं उनको मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी हम लोगों ने माँ शारदा का दर्शन कर लिया है। इस माँ शारदा के मंदिर में कौन से समय पूजा अर्चना होता है, यहाँ पर सब कुछ समय दिया हुआ है। इस माँ शारदा के मंदिर में जो शाम की आरती होती है, 7 बजे आरती होती है और वो 7:30 बजे तक आरती चलती है। 7:30 बजे के बाद इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी इस मंदिर के ऊपर कोई भी आदमी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने मैहर के माता माँ शारदा का दर्शन कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे नीचे। माँ शारदा के मंदिर तक आने के लिए हम लोगों ने रोपवे का टिकट लिया था, तो अभी हम रोपवे से ही पहाड़ी से नीचे चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियों से मंदिर आता है और वापसी में उसका हिम्मत नहीं पड़ता है कि वो सीढ़ियों से जाए, तो वो चाहे तो रोपवे से भी जा सकता है, लेकिन उसे एक तरफ का रोपवे का किराया देना पड़ेगा। यदि वयस्क व्यक्ति है तो ऊपर से नीचे जाने के लिए 83 रुपये किराया लगता है, और यदि 3 साल से 10 साल का कोई बच्चा है तो उसके लिए 71 रुपये का टिकट लगेगा। हमने तो आते टाइम ही टिकट ले लिया था, इसलिए हमें अभी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम रोपवे में बैठेंगे और नीचे चले जाएंगे। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर 2 भंडारा चलता है, एक सीढ़ियों के पास है और एक रोपवे के पास है। जो सीढ़ियों के पास है उसमें 10 रुपये में भर पेट खाना मिलता है, और जो रोपवे के पास है उसमें 15 रुपये में भर पेट खाना मिलता है, लेकिन उसका निश्चित समय है, यानी दोपहर के 11 बजे से 2:30 बजे तक ही भंडारा खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो यदि आप दिन में खाना खाना चाहते हैं तो आप उन दोनों में से किसी एक भंडारे में खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।